चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे जल्द ही साल 2010 में आई सुपरहिट भोजपुरी फिल्म सात सहेली का सेकंड पार्ट यानी सात सहेली 2 लेकर आ रहे हैं, जिसका अनाउंसमेंट मुंबई में राजकुमार पांडे और फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप सिंह ने कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिल्म सात सहेली 2 में एक नई कहानी और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इसके पहले पार्ट में लोगों को भरपूर मनोरंजन किया था, जिसका निर्माण आदि शक्ति एंटरटेनमेंट और साई देव फिल्म्स के बैनर तले किया गया था। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा था, क्योंकि यह भोजपुरी फिल्म की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके स्टार कास्ट इंडस्ट्री में सात अभिनेत्रियां और एक अभिनेता थे, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। राजकुमार पांडे ने कहा कि सात सहेली 2 के पहले पार्ट में दिनेश लाल यादव निरहुआ मुख्य भूमिका में नजर आए थे, मगर इस पार्ट में उनकी जगह लेंगे प्रदीप आर पांडे, क्योंकि इस फिल्म की कहानी सामाजिक परिवेश के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई जाएगी। सात सहेली में प्रदीप आर पांडे चिंटू नजर आएंगे, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सात नई अभिनेत्रियों के साथ नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सात सहेली 2 का अभी अभिनेत्रियों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म के नामी ग्रामी अभिनेत्री इस फिल्म में शिरकत करेंगी। सात सहेली 2 की शूटिंग भी की अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 5 अप्रैल से लखनऊ के खूबसूरत लोकेशन में फिल्म को फिल्माना है और सेकंड शेड्यूल मुंबई में शुरू किया जाएगा। इस फिल्म में करीब 200 से ज्यादा भोजपुरी कलाकार नजर आएंगे। भोजपुरी फिल्म जगत के लगभग सभी खलनायक और कॉमेडियन इस फिल्म में दिखाए जाएंगे।